हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेट और कमर की फैट को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज के द्वारा। दोस्तों, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो आपकी फैट कुछ ही दिनों में कम होना शुरू हो जाएगी। बस दोस्तों, आप इसे कंटिन्यू करते रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। दोस्तों स्टार्टिंग में आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो वार्म अप के लिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों इसे कहते हैं प्लैंक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपका पूरा बॉडी वेट दोनों हाथ पे रहेगा और दोनों पंजों पे रहेगा, और आपका बॉडी पोस्चर एक लाइन में होना चाहिए, सीधी बिल्कुल तरह। और इससे आपकी कोर मसल्स इंक्रीज होंगी, जिससे आपकी फैट धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसे आप अपने टाइमिंग के अनुसार करना, जितना हो सके आप उतना करना। 15 से 30 सेकंड आप स्टार्टिंग में इसको कर पाओगे, क्योंकि आपका स्टेमिना धीरे धीरे ग्रोथ होगा। जब आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा तो आप इसे 1 मिनट भी कर सकते हो। दोस्तों ये नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपको। इसके बाद आपको हैंड से अपना सर को उठाना है और दोनों पैरों से आपको अपनी कोहनी को टच कराना है नी से। इससे आपका कमर के ऊपर की जो फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। और इसे भी आप टाइमिंग के अनुसार अपने जितना कर सकते हैं उतना करिए। इतना करना है कि पेट में आपके थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लगे, तभी आपका ग्रोथ अच्छी तरह हो पाएगा। जब थोड़ा थोड़ा आपके पेन शुरू होगा, जिससे आपकी फैट धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। इस एक्सरसाइज को साइकिलिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें आपका पोस्चर जैसे आप साइकिल चलाते हैं उस प्रकार से रहता है। इसे भी आप टाइमिंग के अनुसार करिए, जितना आप कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा पेन होने लगे, बस आपको उतना करना है। साइकिल भी आप चला सकते हैं मॉर्निंग में। अब आपको इस प्रकार से लेट जाना है और आपको दोनों पैरों से क्रॉस करना है। क्रॉस एक्सरसाइज भी इसे बोल सकते हैं। इससे आपके दोनों पैरों का वेट आपकी कमर पे आएगा, जिससे आपके कमर के पास की फैट रिड्यूस होगी धीरे धीरे। इसके भी आप 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। एक सेट में कम से कम 30 से 35 राउंड मारने हैं आपको पैरों से। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब आपको बनाना है इस प्रकार से रनिंग पोजीशन। और रनिंग पोजीशन में आपका पूरा वेट हैंड पे रहना चाहिए और दोनों पैरों से आपको स्ट्रेचिंग करनी है। दोनों पैर को आपको अपने चेस्ट के पास तक लाना है इस प्रकार से। इससे आपकी कोर मसल्स टाइट होगी और सिक्स पैक भी आप इस एक्सरसाइज के द्वारा बना सकते हैं। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आप परमानेंट इसे करते रहिए। जो भी मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये सारी एक्सरसाइज आपको मॉर्निंग के टाइम खाली पेट ही करनी है। अब आपको इस प्रकार से लेट जाना है और ज़मीन से 1 फुट तक आपको अपने पैरों को उठाना है ऊपर की ओर और होल्ड करके रखना है। दोस्तों इसे होल्ड एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसे आप स्टार्टिंग में 15 सेकंड ही कर पाओगे, बट आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका स्टेमिना ग्रोथ होगा, तो आप इसे 1 मिनट भी कर पाओगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक्सरसाइज के द्वारा फैट कम कर सकते हैं, सारी एक्सरसाइज भी मैंने आपको बता दी। दोस्तों अब बारी आती है आपकी एक्सरसाइज करने की, तो दोस्तों शुरू करिए एक्सरसाइज और हटाइए अपनी फैट को। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।